तो यार आज हम आए हैं रोपर पंजाब के अंदर नेबरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर करने, और काफी लंबे समय बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है कैंपस टूर आ रहा है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और इस यूनिवर्सिटी की बहुत खास बात है कि ये नॉर्मल प्रोग्राम्स के बजाय स्किल और फ्यूचर बेस्ड प्रोग्राम्स ऑफर करती है। और आज इस वीडियो में हम आगे जाके सचिन सर से भी बात करेंगे जो कि एडमिशन ब्लॉक में बैठते हैं और जो इन प्रोग्राम्स के बारे में हमें और डिटेल में बताएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। टूर पे आ जाओ। तो यार वैसे हमको तो पता नहीं इस कैंपस के बारे में कुछ खास, तो अगर कोई मिल जाता है तो उनकी हेल्प लेते हैं। तो हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। तो आप यहाँ पे मतलब क्या डिपार्टमेंट में आप यहाँ काम करते हो या स्टूडेंट हो? जी जी, मेरा नाम राजदीप है। बेसिकली हमारी टीम है, हम एडमिशन टीम में ही है बेसिकली। जो भी नए बच्चे एडमिशन वगैरह के लिए आते हैं तो उनको गाइड करने के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो आज थोड़ा सा कैंपस? श्योर श्योर, ऐसे बच्चों को लेके चलते हैं आज आपको घुमाते हैं। तो अभी सबसे पहले अपन कहाँ चलेंगे? सबसे पहले एडमिशन सेल हम आपको लेके चलते हैं, आपको एडमिशन ब्लॉक दिखाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे आके एडमिशन लेना है तो आपको कैसे कैसे जाना है फॉलो कर लो। आप मेरे को थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकते हो? क्योंकि मेरे को अभी इतना नहीं पता और जो ऑडियंस हमें देख रही है वो जानने में बहुत दिलचस्प है। जी, बेसिकली इस यूनिवर्सिटी का नाम है लेमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी। हाँ। जो कि रोपड़ पंजाब में है और हमारे पास बेसिकली 18 स्टेट के बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी एक एडमिशन टीम आपको 24/7 गेट पे ही अवेलेबल रहती है। बच्चे सुबह भी आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से बच्चे आ रहे हैं जो नाइट में यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो उनको गाइड करने के लिए हमारे पास एक टीम गेट पे ही अवेलेबल रहती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो 100 acres में ही है, काफी बड़ा कैंपस है। अभी हम आपको एक एक करके पूरा कैंपस घुमाएंगे। सबसे पहले हम इसीलिए एडमिशन सेल में चलते हैं। जो पहला प्रोसेस होता है बच्चा आने के बाद का, वो सारा एडमिशन सेल में ही होता है। तो हम आपको सबसे पहले एडमिशन सेल में ही लेके चल रहे हैं। ओके जी। तो अभी आप लोग देख सकते हो हम आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड एडमिशन के अंदर। तो अभी चलो चलते हैं। तो बताइए थोड़ा एडमिशन। बिल्कुल, ये हमारा बेसिकली एडमिशन सेल है और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फैकल्टीज अवेलेबल हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए हमारे पास है, मैनेजमेंट के लिए हमारे पास है, फार्मास के लिए है, होटल मैनेजमेंट के लिए, और यहाँ पे लाइव काउंसलिंग भी चल रही है। अच्छा, आप देखना चाहें बिल्कुल कुछ बच्चे आए हुए हैं एडमिशन के लिए, हम उनसे हमको बच्चे मिल गए हैं तो बच्चों से पूछ लेते हैं कि लेमरिन यूनिवर्सिटी को क्यों ऑप्ट कर रहे हैं। तो आप लोग सारे स्टूडेंट्स हो? हाँ जी, एडमिशन के लिए आए हम। क्या नाम है आपका? अनु। कहाँ से हो आप? लुधियाने से। तो कौन से कोर्स के लिए? बीटेक सीएससी। क्यों ऑप्ट कर रहे हो? क्योंकि मुझे डिफरेंट चीज ये लगी कि यहाँ पे आफ्टर प्लेसमेंट का मॉडल है कि हाफ फीस हमने प्लेसमेंट के बाद पे करनी है, तो ये मुझे अच्छी लगी चीज। और आप कहाँ से हो? मैं नूरपुर, जसप्रीत कौर। ठीक है, तो आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं? एमबीए के लिए। तो मतलब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब के अंदर भी है, ऑल ओवर इंडिया, तो लेमरिन क्यों ऑप्ट कर रहे हैं? क्योंकि इतने प्लेसमेंट पे आफ्टर प्लेसमेंट द मॉडल है। एक इतने एक मैंने चीज बढ़िया लगी कि 1+1 का मॉडल है, उस विच जेड़ा 1+1 है एक साल कैंपस ही पढ़ना, एक साल सानू ऑजेट ही लगती है। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਕੇ, ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। तो चलो हमने बच्चों से जान लिया कि क्या रीजन है यहाँ पे आने का, तो कैंपस टूर पे चलते हैं अभी, और भूख भी लग रही है तो बाद में खाना भी खाएंगे। जी। तो सर अभी हम कहाँ गए? अभी बेसिकली हम इंजीनियरिंग ब्लॉक में है और मैं आपको IBM की लैब दिखाता हूँ। यहाँ पे हमको लोग IBM के भी बच्चे मिल गए, तो पूछ लेते हैं जी क्या नाम है, कहाँ से हैं और क्यों यहाँ से ये कोर्स कर रहे हैं। तो क्या नाम है आप लोगों का? हेलो सर, मेरा नाम आशीष राज। आपका? मेरा नाम नेहा है। ठीक है, आप लोग कहाँ से हो? सर मैं बिहार से हूँ। सर मैं पंजाब से हूँ। आप तो बहुत दूर से आए हो यार। Yes. तो मतलब ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बिहार में, यूपी में, पंजाब में भी है। Yes. तो लेमरिन क्यों ऑप्ट किया? सर लेमरिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक स्किल्स बेस्ड यूनिवर्सिटी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकली स्किल्स भी सीखते हैं और इससे IBM से कनेक्टेड भी है, तो इस वजह से भी। और आपका क्या रीजन है? सर ये जो है सर ये IBM के साथ कनेक्टेड है और सर इसमें सर बहुत सारे तो हमें प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, हमें फर्स्ट ईयर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं इसलिए सर। अच्छा, बाकी प्लेसमेंट वगैरह क्या क्या लगता है यहाँ पे हो जाएगी?
प्लेसमेंट तो हो जाएगी सर, बेसिकली डिपेंड करता है कि बच्चे कितने मेहनत करते हैं, तो उस बेसिस पे उनका प्लेसमेंट डिसाइड होता है। तो यहाँ पे है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2.5 साल के बाद तो इंटर्नशिप मिलेगी, उसके बाद जॉब का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और फिर अगर हम अपना स्किल्स डेवलप करते हैं तो हमें और अच्छा जॉब प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम। तो सर बताओ थोड़ा लैब के बारे में भी। बेसिकली ये इंजीनियरिंग ब्लॉक की लैब्स हैं और ये 24/7 ओपन रहती हैं। जो भी हमारे बच्चे हैं वो कभी भी आते हैं, सबको अपना अपना सिस्टम एलोकेट किया हुआ है, वो जब भी उनका पढ़ने का मन होता है 24/7 वो आ सकते हैं, आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये पूरी लैब्स आप देख रहे हैं पीछे था, रात को 12 बजे 1 बजे किसी का मन है तो वो जो भी बच्चा आके पढ़ना चाहता है उनके लिए लैब 24/7 ओपन है, वो कभी भी यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। सर ये कौन सी लैब है? बेसिकली ये भी IBM की ही लैब है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की है। इस बार जो हमारे पास एडमिशन की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि हमें अदर स्टेट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ये लैब भी हमने एक स्टार्ट की है। आइए मैं आपको ये लैब भी दिखाता हूँ, IBM फ्यूचर स्किल लैब। तो एक और लैब रेडी आप लोगों के लिए, तो इन सिस्टम पे किसका नाम लिखा जाएगा वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सर अभी हम जी बिल्कुल ये हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्मार्ट रूम है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, बेसिकली कभी भी डीन सर के साथ बच्चों की जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है, चांसलर सर के साथ जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है, बच्चे ग्रुप डिस्कशन अपना करते हैं, तो उसके लिए हमने बेसिकली सेटअप किया हुआ। तो डीन वगैरह के साथ भी यहाँ पे बच्चों की मीटिंग होती है? बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी वीकली मीटिंग्स होती है, आफ्टर 15 डेज बच्चों की मीटिंग्स होती है, छोटे छोटे कोई भी अगर बच्चों को इश्यूज होते हैं तो ऐसा हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं है कि बच्चे को डीन से मिलने के लिए 15 दिन का वेट करना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही डीन सर का ऑफिस है, बेसिकली बच्चे डायरेक्ट उनसे मिल सकते हैं। तो क्या पर्पस रहता है या फिर क्या एजेंडा रहता है मीटिंग्स का? बच्चों के ऊपर है, बच्चों को अगर किसी प्रकार का कोई इश्यूज वगैरह आ रहे हैं तो डायरेक्ट डीन तक अपनी बात पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्ट डीन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और उसको ऑन द स्पॉट शॉर्ट आउट भी किया जाता है। तो सर अभी हम कहाँ पे हैं और कहाँ जाने वाले हैं? अभी आप लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी के बी ब्लॉक में खड़े हैं और जिसमें आप होटल मैनेजमेंट हम केटर करते हैं, साथ ही साथ ये बेसिक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने इंडस्ट्री को इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें बच्चा फर्स्ट ईयर जो होगा वो ऑन कैंपस परस्यू करेगा, जिसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल लैब के माध्यम से चीज़ों को सिखाएंगे। सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में बच्चा इंडस्ट्री में एम्बेड हो जाएगा, इंडस्ट्री में हम उसको डिप्लॉय करते हैं, वहाँ पर उसकी अर्निंग अप टू 3 लाख वो अर्न कर सकता है ड्यूरिंग द कोर्स, और साथ ही साथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम ही विल बी ऑफर्ड अ जॉब ओवर देयर। अंदर हमारे पास प्रोडक्शन के लैब है, F&B सर्विस के लैब है, रेस्टोरेंट है, बार है, एंड हाउसकीपिंग के भी लैब्स है, एंड फ्रंट ऑफिस जो बेसिक जो चारों मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लैब्स अवेलेबल है। तो चलो चलते हैं सर थोड़ा लैब एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सर बताइए अभी हम कहाँ पे हैं और ये क्या है? अभी फिलहाल आप LTSU के होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हैं और ये F&B प्रोडक्शन लैब है जिसमें बच्चों को हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड इसमें अलग अलग लैब्स हमने डिजाइन कर रखी है। ये एक तो प्रोडक्शन, इसमें बेकरी का भी कुछ पार्ट है जो कि आप देख सकते हैं, बेकरी का प्रोडक्शन कराया जाता है, प्रैक्टिकल के अलग अलग कुजींस के बारे में बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ हमारे पास रेस्टो का भी सेटअप है जो कि अभी हम अंडर कंस्ट्रक्शन या रीनोवेशन फेज में है। तो यार अभी हम है यहाँ पे सचिन सर के साथ और हमको पता चला यहाँ पे 2 तरीके के प्रोग्राम है, एक है फ्यूचर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम और एक है स्किल बेस्ड प्रोग्राम, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, थैंक यू आपको यहाँ आने के लिए और यूनिवर्सिटी को कवर करने के लिए। हम लोगों के पास बेसिकली इंजीनियरिंग में अगर हम देखेंगे तो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में आजकल AI ML डाटा साइंस साइबर सिक्योरिटी चल रहा है, तो हमने उसके लिए जो वर्ल्ड की टॉप कंपनी है IBM उसके साथ कोलैबोरेशन करके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम बीटेक कंप्यूटर साइंस इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज यानी AI ML डाटा साइंस साइबर सिक्योरिटीज में करा रहे हैं, जो जिसमें 2.5 साल बच्चे का एजुकेशन होगा, आधे साल वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा इंडस्ट्री के जो लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे, और 1 साल वो ऑन जॉब रिप्यूटेशन पे रहेगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रहेगा जिसमें उसको इनकम भी होगा। तो जब वो एक इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन में काम कर रहा है, इंडस्ट्री के लोग उसको एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे, जो 2.5 साल वो पढ़ रहा है उसमें भी पूरा प्रोजेक्ट्स बना रहा है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, मेंटर आ रहे हैं तो वो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वो आधा साल रियल टाइम प्रॉब्लम्स पे लाइव प्रोजेक्ट्स बना रहा है और 1 साल वो इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है, तो उसके प्लेसमेंट के चांसेस बहुत हाई हैं। तो और आजकल के आप जमाने में देख रहे हैं हम लोग की जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं उसमें क्या है ना, जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम लोगों ने इस कोलैबोरेशन के साथ वो प्रोग्राम शुरू किया है, पूरे इंडिया से हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है,
फीस अगर हम बात करें तो 1.65 लाख पर ईयर की फीस है, जो कि मार्केट में अगर देखेंगे सिमिलर प्रोग्राम्स की तो आपको 3 से 5 लाख रुपए पर ईयर फीस है, तो हमारी रिलेटिवली बहुत कम है। हॉस्टल भी हमारा नॉमिनल है क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये यूनिवर्सिटी है, ये कॉर्पोरेट द्वारा इंक्यूबेट की गई है, जहां पे IBM, टाटा टेक्नोलॉजी, एनसिल पार्टनर है, इंक्यूबेटेड पार्टनर है, उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट, IIT रोपड़, ISB मोहाली, इनके लोग भी हमारे बोर्ड में हैं जो समय समय पर एडवाइस करते रहते हैं। दूसरा प्रोग्राम हमारे पास है VLSI टेक्नोलॉजी में। VLSI और सेमीकंडक्टर अगर आपको पता हो तो हिंदुस्तान में ऑलरेडी अभी भी 3 लाख सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और अगले 4 सालों में दुनिया की हर कंपनी इंडिया में प्लांट बना रही है। गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी अनाउंस कर दी है, 3 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट है अगले 4 सालों में नए। तो हमने उसके लिए इंडिया का जो पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है वो एल एन टी का आपने सुना होगा नाम, दुनिया की ग्लोबल कंपनी है, उस वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज में आती है L&T। उसके साथ हमने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स में शुरू किया है VLSI डिजाइन में, जिसमें हम लोग लिमिटेड सीरीज को लेकर चल रहे हैं और हर स्टूडेंट के 2 से 3 इंटरव्यूज L&T में होंगे, जहाँ पे 6.9 लाख का मिनिमम पैकेज है। हम लोग फ्रॉम यूनिवर्सिटी साइड 5 to 15 लाख पैकेज की गारंटी कर रहे हैं और हर बच्चा जो IBM में है, N&T में है, सबको हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। हमारा ये है कि जो भी हमारे यहाँ पढ़े स्टूडेंट वो कॉर्पोरेट में एंटर हो जाए, वो सबसे बड़ा मेन फोकस का पॉइंट है। तो ये हमारे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के प्रोग्राम है जो AIML, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और VLSI डिजाइन में है, जिसमें स्कोप है, जिसमें एक अच्छे मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल लेवल पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और इंडिया के लोग ही मोस्टली इन एरियाज में काम कर रहे हैं। राइट, तो सर ने हमको अच्छे से काफी समझा दिया, पर सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, बस आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैंने सुना है आप कुछ होटल मैनेजमेंट में कुछ अलग सा कर रहे हो, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता। होटल मैनेजमेंट में जो हमारे प्रोग्राम्स है वो बेसिकली हम स्किल बेस्ड प्रोग्राम यहाँ पर चला रहे हैं क्योंकि उसी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो एक साल हम स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं, हार्डकोर ट्रेनिंग अबाउट द होटल इंडस्ट्री, उसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, एरियाज के बारे में, और 2 साल बंदा इंडस्ट्री में ही काम करता है और इंडस्ट्री में जब वो काम कर रहा है तो उसको अर्निंग भी हो रहा है, लर्न एंड अर्न मॉडल में है, 10,000 से 15,000 तक वो कमा रहा है, तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए वो कमा लेगा। हमारा बहुत लो फीस में है, टोटल फीस ही 180 है, 1,80,000 है, उससे ज्यादा वो पैसा कमा लेगा। जब वो पास आउट होगा तो उसके पास इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, उसके बाद इंडस्ट्री लिंक्ड एक डिग्री है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से है, जहां पे उसको काम करने की भी क्रेडिट मिल रहा है, तो उसको एक एजुकेशन का डिग्री है, एक उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, उसने अर्निंग भी कर लिया, उसका कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ और वो अपना कैरियर में एंटर कर गया। तो वो होटल मैनेजमेंट का पूरा। तो यहाँ पे ना सर मेरे को एक चीज के बारे में और पता चला था, यहाँ पे एक पे आफ्टर प्लेसमेंट करके कुछ आपका चलता है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा देखिए। होता क्या है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो 50 लाख का पैकेज सब हाईलाइट कर रहे हैं और सब बता रहे हैं कि 100% जॉब लगा, ये लगा, पर वहां पे क्या होता है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं या जिनके फाइनेंशियल भी कम है, वो पहुंच भी नहीं पाते यूनिवर्सिटीज में, वो सी ग्रेड या डी ग्रेड कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं। तो उनके लिए हमने सोचा कि भाई उनको हम कैसे अपने साथ इंगेज करें, कैसे हम उनके कैरियर में उनको हेल्प करें, तो उनके लिए हमने अपने जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक इलेक्ट्रिकल, बीटेक मैकेनिकल, बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, 6 प्रोग्राम में हमने पे आफ्टर प्लेसमेंट का सुविधा दिया, जिसमें आधी फीस उनको पढ़ते टाइम लेनी है, आधी प्लेसमेंट के बाद लेनी है, वो भी एक मिनिमम पैकेज अगर लगेगा तो। जैसे कंप्यूटर साइंस में 1.5 लाख रुपए मेरा सालाना फीस है, टोटल फीस 6 लाख रुपए है, 6 लाख में से 3 लाख वो पढ़ते टाइम 75,000 पर ईयर, 37,500 पर सेमिस्टर, केवल इतनी कम फीस पे वो एक हाई एंड कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में L&T के साथ हमारा टाइप है, उसमें 1,20,000 फीस है सालाना, जिसमें से 60,000 रुपए वो पर सेमेस्टर देके, 60,000 पर ईयर, 30,000 पर सेमेस्टर ओनली, जिसमें L&T का एक्सपर्ट टाइप भी है, 30,000 पर सेमेस्टर देके वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का डिग्री कर सकते हैं। 3 साल का डिग्री होगा, 1 साल का इंटर्नशिप होगा और उसके बाद उनका मिनिमम 3 लाख का पैकेज लगेगा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस में 4 लाख का लगेगा। उसके बाद जो उनको बाद का पैसा देना है, जो 2,40,000 या 3 लाख जो देना है, वो भी मंथली इंस्टॉलमेंट में देना है, 7,500 या 10,000 का पर मंथ के 20 से 30 इंस्टॉलमेंट्स में देना है, जिससे अगर कल को उसकी मान लो जॉब चली जाती है 2 महीने 3 महीने में, कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ गैप्स आते हैं, तो वहां पर हम उस बच्चे को मदद कर रहे हैं, तो उसको हम हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं,
उसको हैंड होल्डिंग करके हम एक लेवल पे लेके जा रहे हैं। बीबीए बीसीए बीकॉम में हमारा इंडिया की टॉपमोस्ट कंपनियों के साथ टाइप है, जहां पे हम केवल 50-1 लाख रुपए हमने फीस रखा, 50,000 हम पढ़ते टाइम लेते हैं, मतलब 1.5 लाख रुपए लेंगे और 1 लाख या 1.5 लाख लेंगे प्लेसमेंट के बाद। और उसमें भी वही है कि इंस्टॉलमेंट में लेंगे 1,07,000 का 20 इंस्टॉलमेंट, 1.5 लाख अगर है तो 1 लाख है तो 6,000 का इंस्टॉलमेंट लेंगे। तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में हमने पूरा कवर किया है। एमबीए एमसीए 1.5 लाख हम लोग लेंगे पढ़ते टाइम 2 साल में, और 1.5 लाख लेंगे प्लेसमेंट के बाद, मिनिमम पैकेज 3 लाख, 3 लाख से कम लगेंगे कोई पैसा नहीं। ओके, तो इस तरीके के हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किए हैं जो मासेस के लिए है। इसलिए हम अपनी यूनिवर्सिटी को कहते हैं कि दिस इज क्लास फॉर मासेस, कि कोई भी जो अफोर्ड नहीं कर सकता एजुकेशन, पढ़ नहीं सकता, पढ़ना चाहता है, उसको चाहिए कि भाई एक मेरी एंट्री लेवल कॉर्पोरेट में एंट्री हो जाए, तो हम उसको एक बहुत ही नॉमिनल फीस पे कॉर्पोरेट में एंट्री करा देंगे। बाद में वो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपने मेहनत के हिसाब से, अपने एस्पिरेशन के हिसाब से कैरियर में किसी भी लेवल तक जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द गाइडेंस। और जो लोग इस डर से यूनिवर्सिटीज में जाने से डरते हैं कि भाई बहुत सारा बच्चा होगा तो मेरा प्लेसमेंट कैसे होगा, तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपको प्लेसमेंट की गारंटी दे रही हैं। इवन आपको बोल रही है कि फीस आप अभी हाफ पे करो, जब प्लेसमेंट हो जाए जी फुल करो। तो चलो अभी चलते हैं आगे वीडियो में। तो यार अभी मैं हूँ लैमलिन के एक पास आउट स्टूडेंट के साथ। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवजीत है। ठीक है, आपने कौन सा कोर्स किया यहाँ से? मैंने यहाँ से बीटेक किया सीएससी में। ओके ग्रेट, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे ओवरऑल? मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। टीचर्स मुझे बहुत ही कोऑपरेटिव मिले और मुझे हर एक चीज पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करवाई गई यहाँ पर। ठीक है, तो आप सजेस्ट करोगे आने वाले बच्चों को कि यहाँ पे एडमिशन ले? हाँ जी, मैं सजेस्ट करना चाहूंगी सभी को जो एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि एक बार यहाँ पे आके विजिट जरूर करें, क्योंकि स्टाफ सारा बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो आप जैसे आई थिंक पंजाबी हो या पंजाब से हो? हाँ जी सर, मैं पंजाब से हूँ। कुछ पंजाब में भी बोल दो, पंजाबी में मतलब। हाँ जी, मतलब मैं जेड़े भी स्टूडेंट्स जो है सोच रहे हैं अपनी पढ़ाई अगे की पढ़ाई दे बारे, तो एक बार इत्थे आके जरूर विजिट करन, क्योंकि बहुत ही वधिया यूनिवर्सिटी है और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी है इत्थे अवेलेबल है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो यार आई होप आपको जो लैमरिन यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर है वो काफी ज्यादा पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई आपका डाउट बचा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। और बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।